अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। अरे भैया नहीं आए आपके साथ? नहीं, वो थोड़ा काम में बिजी थे तो मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गया। छोटू 32B ब्रा निकाल बेटा। अरे नहीं, वो नहीं चाहिए। वो आज मैं एक्चुअली अपने लिए हॉट सी नाइटी लेने आई थी। अच्छा, भैया भाभी की एनिवर्सरी आने वाली है। समझ गया। आप टेंशन मत लो, आपको एकदम सनी लवली बना देंगे। मेरा मतलब पहनावे से, हरकतों से नहीं। छोटू अच्छी सी नाइटी निकाल बेटा। चाय मंगाऊं? नहीं नहीं थैंक्स। ये देखे भाभी जी, बिल्कुल ब्लूबेरी लगोगे आप। बढ़िया आर्टिकल है। नहीं, ब्लूबेरी उन्हें पसंद नहीं है। अच्छा, तो ये देखो भाभी जी, मैंगो। भैया जी को मैंगो पसंद है, हमें मालूम है। नहीं, कुछ और दिखाइए। अच्छा कुछ और? ये देखो भाभी जी, इसका तो श्रग भी है, पहनोगे तो सब तारीफ करेंगे आपकी। एक्सक्यूज मी, ये कोई सबके सामने पहनने वाली चीज है? अरे मेरा मतलब भाभी जी, जब इसको पहनोगे, फोटो खींचोगे, अपनी फ्रेंड्स को दिखाओगे तो सब तारीफ करेंगे ना। अच्छा चलो इसको छोड़ो, आप बताओ, मतलब आइडिया दो कुछ, कैसा चाहिए आपको? ये देखिए, ऐसी दिखाइए। ओ अच्छा, ये वाइल्ड नहीं हो जाएगा ज्यादा? खैर ये भी है हमारे पास। छोटू वो आर्टिकल निकाल बेटा जो नया वाला है। ये देखे भाभी जी, इसको पुशी कट आर्टिकल बोलते हैं। ये बड़ा सूट करेगा, आग लगा दोगे आप पहन कर देखना। भैया कुछ और बेटर दिखाइए ना, कुछ और नहीं है? भाभी जी इससे बेटर तो मियां खलीफा के पास भी नहीं है। ये कौन है? अरे वो भी भाभी है हमारी, आप ही की तरह भाभी जी। खैर इन्हीं में से चेक कर लो आप, यही है हमारे पास। ठीक है फिर, यही ठीक है, आप यही पैक कर दो। ठीक है, पर भाभी जी शायद आपको याद नहीं आ रहा, ये आर्टिकल तो है आपके पास ऑलरेडी, ये सेम क्या करोगे आप? मेरे पास सेम? नहीं, मेरे पास सेम कैसे हो सकता है, और तुम्हें क्या पता मेरे पास क्या है क्या नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो भाभी जी, हमें नहीं तो बेचा है आपको। आपने बेचा है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तो पहली बार नाइटी लेने आई हूँ आपसे। अरे मेरा मतलब भाभी जी, पिछले हफ्ते भैया जी तो लेकर गए आपके लिए। अच्छा वो आपके लिए नहीं लेकर गए हैं, कोई बात नहीं, इसको अभी पैक करवा देता हूँ। छोटू पैक कर बेटा, आ जा। क्या विजय आपसे ये नाइटी लेकर गए? लेकिन मुझे तो नहीं दी, तो वो किसके लिए लेकर गए? मुझे पहले ही शक हो रहा था उनपे कि ये रात में थके क्यों आते हैं। आज तो ये गए, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं इनको। अरे नहीं भाभी जी, अरे बात तो सुनिए। अरे भाभी जी, अरे अरे ये क्या कर दिया मैंने, आज तो भैया भाभी का तलाक पक्का। कोई नहीं, भाभी जी को हम सारा दे देंगे। अबे हट। हाँ छोटू, भाभी को नाइटी का पता लग गया? तेरी माँ का कोपड़ा, क्या बकवास मार रहा तू, तेरा दिमाग तो ठीक है? अबे एक काम कर, जल्दी से वो सेम नाइटी गिफ्ट रैप करके मेरे घर पे भिजवा। तेरी भाभी के पहुंचने से पहले वो गिफ्ट पहुंच जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? जल्दी पहुंचाओ। डर क्यों रही हो? सरप्राइज, ये लो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी इन एडवांस, तुम्हारा प्री गिफ्ट। मैंने सोचा कि यार एनिवर्सरी में तो हर हस्बैंड में वाइफ को गिफ्ट करता है ना, ऑब्वियस ही बात है। मैं कुछ नया क्या करूं, फिर मैंने सोचा कि यार प्री गिफ्ट देने शुरू करता हूं। जैसे तुम्हें याद है शादी से पहले मैं तुम्हें प्री बर्थडे गिफ्ट देता था, 10 दिन पहले गिफ्ट देने शुरू कर दिए थे, अब 3 दिन पहले एनिवर्सरी गिफ्ट देने शुरू। आज तुम्हें ये गिफ्ट दिया है, कल कुछ और गिफ्ट लेके आऊंगा, परसों बड़े वाला गिफ्ट दूंगा तुम्हें। खोल के देखो ना, खोल के देखो। ये नहीं थी, ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो? तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, मतलब हमारे लिए लेके, हाँ तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मैं काफी टाइम से तुम्हें एक गिफ्ट करना चाह रहा था, पहले मैंने सोचा एनिवर्सरी पे गिफ्ट दूँ, मैंने कहा एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट बड़ा छोटा सा लगेगा, तो मैं इसको प्री एनिवर्सरी गिफ्ट कर देता हूँ, एनिवर्सरी पे तो बस बहुत बड़ा सरप्राइज है। थैंक यू सो मच बेबी, कितने अच्छे हो। तुम वैसे घबराई हुई क्यों थी, चिल्लाती क्यों आ रही थी? कुछ नहीं बेबी, वो तो बस ऐसे ही, छोड़ो ना।